राजस्थान के चुनावी सबर में वोटिंग से महज कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गढ़ जोधपुर में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। मुख्यमंत्री के बाल सखा और उनके करीबी पूर्व महापौर रामेश्वर दादीच ने बीजेपी का दामन थामकर सभी को चौंका दिया। रामेश्वर दादीच के बीजेपी में शामिल होने को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी दुखद बताया। हमारी खास रिपोर्ट में आपको दिखा रहे हैं कि इसके सियासी मायने जो है वो क्या कुछ हो सकते हैं। चुनावी समर में बीजेपी की सेंध मारी, बीजेपी ने कांग्रेस को दिया झटका, रामेश्वर दादीच ने थामा बीजेपी का दामन। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गढ़ जोधपुर में बीजेपी ने कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है। राजस्थान में विपक्ष में बैठी बीजेपी ने कांग्रेस में सेंध लगाते हुए सीएम अशोक गहलोत के बाल साखा और करीबी पूर्व महापौर रामेश्वर दादीच को अपने साथ जोड़ लिया। रामेश्वर दादीच चुनावी समर में कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं, जिसको लेकर सीएम गहलोत ने कहा, दादीच के बीजेपी में जाने का मुझे दुख है। उनका देखिए, उनका जाना मुझे दुख भी होता है, क्योंकि लंबे समय से हमारे साथ रहे और कोई बिना कोई कारण के चले गए। मैं समझता हूँ कि उनके जाने का मुझे दुख भी है। विधानसभा चुनाव के समर में रामेश्वर दादीच ने जोधपुर के सूरसागर विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय नामांकन दाखिल किया था और गुरुवार को अपना नामांकन वापस भी ले लिया। नामांकन वापस होने के साथ ही दादीच बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ चार्टर प्लेन से जयपुर पहुंचे और बीजेपी में शामिल हो गए। दादीच ने कहा कि जिनके कहने पर मैंने पर्चा भरा उनके कहने से ही वापस ले लिया। इस बयान के बाद माना जा रहा था कि दादीच ने अपनी पार्टी के किसी नेता के कहने से पर्चा भरा और वापस लिया, लेकिन पर्चा वापस लेकर बीजेपी में शामिल होने के कदम ने सबको चौंका दिया। बीजेपी का दामन थामने के बाद दादीच ने कहा कि मुझे खुशी है कि मैं भाजपा परिवार का सदस्य बना हूं। दादीच ने राम मंदिर बनने का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को दिया और कहा, मैं प्रधानमंत्री मोदी के निर्णय लेने की क्षमता से प्रभावित हूं। राजस्थान के सभी जो पिछड़े हुए हमारे भाई बहन हैं, उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए एक ढंग पे रख करके और इसको आगे बढ़ाने का, और जनता के लिए खास तौर से साधु संत तो हो सकते हैं, पर जनता के दुख दर्द में भागीदारी रखना, ये परमात्मा की कृपा से ये संभव रहा है। भाजपा के चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दादीच को बीजेपी ज्वाइन करवाई। बीजेपी के इस कदम को कांग्रेस के कैंप में बड़ी सेंध के रूप में देखा जा रहा है। ये सेंध मारी चुनाव में बीजेपी के लिए कितनी संजीवनी साबित होगी, ये तो चुनावी परिणाम ही बताएगा। शशि मोहन, जी मीडिया, जयपुर।